अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑल पे, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग गेम प्ले देखने को मिलता रहे। तो आगे आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज के इस गेम प्ले हम खेलने जा रहे हैं वेस्टलैंड सर्वाइवल। तो गाइस आपको पता होगा लास्ट वाले गेम प्ले में हमने माइनिंग वगैरह की थी, फायरिंग वगैरह की थी, और हमने जो हमारे वेपन थे उन सबको हमने डैमेज कर दिया था। तो गाइस आज के इस गेम प्ले में इसको रिपेयर करता हूँ, क्योंकि हमें एक छोटे से नहीं एक बड़े अंकल को बचाना है जो कि अपनी बग्गी को लेके सर्वाइव करना चाहते हैं और उनको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे छोड़ना है। तो गाइस वहाँ पे जाएंगे, लेकिन गाइस उससे पहले हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि हमारे पास गन वगैरह है या नहीं, क्योंकि जो वहाँ के जो एनिमी होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो उन सबसे बच के रहना होगा। तो गाइस यहाँ पर जितनी भी गन थी सबको मैंने उठा ली। तो गाइस उनके पास अब फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि भैया जी क्या कह रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि अरे हमारे पास बैग है, बढ़िया वाला बैग था जिसको मैंने रिपेयर करवा लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसी का इस्तेमाल क्यों ना कर लिया जाए, और फटाफट से हेल्थ वगैरह को भी इकट्ठा करके अपनी बैग के अंदर पैक करते हैं और चलते हैं उन ताऊ जी के पास। तो यहाँ पे दोनों हेल्थ ले ली, और गाइस इस बार है ना हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से खेलेंगे, जल्दी जल्दी में है ना हेल्थ ही दबा देते हैं फायर बटन की दगा, तो बंदा तो मरता ही है और साथ में हमारी हेल्थ भी वेस्ट हो जाती है। तो गाइस फटाफट से उस जगह पर जाता हूँ। उससे पहले गाइस यहाँ पर मैं सोच रहा था कि थोड़ा टास्क वगैरह चेक कर लूँ, लेकिन नहीं, हम आ चुके हैं गाइस उस नई जगह पर जिसका नाम है गाइस ओल्ड रोड। तो फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पर आते हैं और यहाँ अंकल से थोड़ा सा बात करते हैं। तो अंकल जी हमसे कहते हैं, आप सुन रहे हो, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, कब से कहाँ गए थे। तो गाइस इतना में हम इनसे बात ही कर रहे होते हैं, उतने में ये लोमड़ी जैसी शक्ल का एक काला सा भेड़िया हमको खाने लग जाता है। तो हम सोचते हैं फटाफट से पहले इसको निपटा लिया जाए, फिर देखेंगे आगे की चीज़ें। और इतने में ही ये मादर भगत आ जाता है, अरे रुको, अरे हथौड़े लगे कते घुसिए जाओगे का। तो गाइस यहाँ पे आता हूँ और ये बिल्कुल घुसे जा रहे थे। तो हम इनको बता देते हैं कि हमसे लड़ोगे तो कर देंगे नंगा, क्योंकि हम चड्डी नहीं पहनाते और नहीं करते हैं किसी को लंगा। वाह वाह वाह, क्या शायरी है, मज़ा आ गया। ऐसी शायरी के लिए गाइस एक लाइक तो ठोक दो। तो गाइस इस ब्रिज पे आ चुके थे, इसका मतलब गाइस जो हमारा आधा एरिया है उसको हमने ख़त्म कर लिया। और ये देखो कहाँ पे छुपे हो काले बंदर, अरे काले बंदर के साथ साथ, अरे ओ माय गॉड, हम इतने में इंतजार कर ही रहे थे, कुछ बोल ही रहे थे, उतने में ही डिस्ट्रॉयर भैया जी आते हैं और हमको कहते हैं तुमने राखी नहीं बांधी है, तो आज तो तुम्हें उस चीज़ का कीमत चुपाना होगा। कीमत का मतलब तोहफा देंगे, और तोहफे में वो बड़ी सी संटी हमार कपाड़ पे रख देते हैं और हम कुछ का नहीं कर पाते तो ये बेइज्जती ना हो जाता हमार। तो हम सोचते हैं आज क्यों ना हम उनको मारेंगे और अच्छे से मारेंगे। तो ये साथ में कुत्ता भी आता है, इसको भी मार देते हैं। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर किस बदतमीज ने ये दारू की पेटियाँ यहाँ फेंक दी है। तो गाइस फटाफट से जो अल्कोहल है ना इसको यहाँ से हटा के रखने ही वाले होते हैं, उतने में ये देखो बदतमीज़ लौंडा, हम इनको गोली मार रहे हैं लेकिन इनको कोई असर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ फायर करे जा रहे हैं और जो ताऊ जी की बग्गी है, अंकल की बग्गी है, इनको तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस हम शायद ताऊ को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिए हैं। अब गाइस बढ़ते हैं अपने गेम प्ले में। और ये अरे यहाँ पे किसने बोरिया बिस्तर बांध दिया। तो गाइस मैंने कुछ नया ट्राई करने की सोचा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जो हमारे वो व्यूअर्स हैं वो कम टाइम में ही चले जा रहे हैं। तो गाइस आप कमेंट करके बताना आप कितनी देर तक आप वीडियो पे जचे रहे और आपको कितने टाइम बाद मन किया रहे चलो छोड़ो हम दूसरी वीडियो देखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मेरा एग्ज़ाम 13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद धड़ाधड़ गेम प्ले आएगा और गाइस कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और आपके कमेंट सुन के और पढ़ के मेरे को मज़ा आता है, तो प्लीज़ कमेंट भी जरूर किया करो। तो गाइस फिलहाल के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ उस डेस्टिनेशन पे, और ये ताऊ को मैं छोड़ देता हूँ और ताऊ से बात करते हैं। ताऊ कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया, और ताऊ तो थोड़े से बुढ़े हैं तो क्या कर सकते हैं गाइस। और गाइज़ ये देखो इस बॉक्सेस के अंदर गाइज़ हमें मिल जाते हैं ठीक ठाक सामान, मतलब गाइज़ ये ओल्ड रोड है ना मेरे को सबसे ज़्यादा बेटर लगता है, इसके अंदर है ना आपको अच्छी तरीके के वो मिल जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ लूट, अच्छी लूट भी मिल जाती है और आपके वेपन वगैरह भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होते हैं ना, हीलिंग वगैरह वेस्ट शॉर्ट होती है। देखो इतना सारा सामान दे दिया और कहीं पर हम इतना लड़ेंगे कटेंगे फिरेंगे हेल्थ यूज करेंगे और हमें मिलता है क्या, बाबा जी का ठुल्लू। तो इससे बढ़िया है कि हम यहीं पर आएँ, लेकिन ये हर बार नहीं आता, सब कुछ मुश्किल देते हैं। तो गाइस क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस अब फटाफट से हम अपनी इन्वेंट्री को भरेंगे, लेवल 3 पे पहुंचेंगे फिर लेवल 4। तो गाइस अभी खेलने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, जितना मैं खेल पा रहा हूँ आप लोगों को शो कर रहा हूँ और आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, एक दिन मैं भी आप लोगों के गेमर लिस्ट में भी
क्या पता शामिल हो जाऊं और आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो आप लोगों का लव यू, अहम मज़ा आ गया आप लोगों का कमेंट पढ़ के तो, और आप जो सपोर्ट दिखाते हो उसके लिए भी। तो गाइस फ़िलहाल के लिए जितनी भी लूट मिली थी सबको समेट के अपने थैला में रख लेते हैं और यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। और देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे सामान ऐसे थे जो अभी भी रह रहे थे और काम के थे, तो मैंने सोचा चलो जो पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रखते हैं, फिर हम जाएंगे मैप के बाहर, वहाँ हॉर्स के जो बैग्स हैं, चार बैग्स होते हैं उसके अंदर रख देंगे और वापस आएंगे। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं आ चुका था ग्लोबल मैप पे, और गाइस यहाँ आने के बाद पता चलता है मैं तो किसी अलायंस में अब तक ज्वाइन ही नहीं हुआ जबकि हमें एक दो हफ्ते से ऊपर हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर दोबारा से मैं एक नया अलायंस सर्च कर लेता हूँ कुछ भी लिख के, तो यहाँ कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें जाता हूँ लैंग्वेज में और एनी कर देता हूँ, मतलब लैंग्वेज में देखो कितने, मतलब हर एक देश के आते हैं ज़्यादातर उर्दू फारसी वगैरह, तो सब पे जाके टिक कर देता हूँ। और गाइस एक दिन बाद दोबारा से रिजल्ट आ जाएगा तो देख के बताते हैं क्या हम कर पाएंगे या नहीं। तो फटाफट से गाइस जो भी मटेरियल मेरे को डालने थे मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और अब फटाफट से दोबारा से वहाँ पर जाएंगे ओल्ड रोड पर, और गाइस वहाँ से सामान वगैरह इकट्ठा करके फिर वापस आते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हमें करना चाहिए। और लूट देख के तो मज़ा आ गया, मतलब हमारा एक और वेपन रिपेयर हो सकता है तो फटाफट से उसको भी रिपेयर करेंगे। तो गाइस आज नहीं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो का लाइक करना, चैनल पर नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।